सुनो सुनो सुनो, दिल्ली गेट के रिहायशियों और गिरदोनवा से आने वाले मेहमानों, शाही फरमान नामा सुनो। मनसबेदार शहर की जानिब से हर खास आम को मुतला किया जाता है कि शाही गुजरगाह पर कूड़ा करकट फैलाना कानूनन इखलाकन जुर्म है। मौजूदा वबा के पेश नजर मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक फासला बरकरार रखें। याद रहे कि आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए शहर में कोतवाल तैनात किए गए हैं। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। आज तक अमीन हफीज ने आपको रंग बिरंगी खबरें और रंगीला रिक्शों की सैर कराई। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको जिंदा दिलों का शहर लाहौर ऐसे दिखाऊं जैसे मुगलिया दौर में लाहौर होता था। मेरा जी चाहता है कि मैं आज कहीं मुगलिया दौर में खो जाऊं। कहां पे आ गया हूं? आप मुगलिया दौर में बैठे हुए हैं। मुगलिया दौर में? मैं सचमुच मुगलिया दौर में आ गया हूं। आप कौन है? मैं मुगलिया दौर का कोतवाल बैठा हुआ हूं, मुदस्सिर फारूक। मुगलिया दौर का कोतवाल मेरी हिफाजत के लिए? आपकी हिफाजत के लिए हमें मामूर किया गया है। क्या बात है, ये देखे अमीन हफीज साहब की बात अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। मेरी ख्वाहिश थी कि आज मैं मुगलिया दौर में खो जाता और मैं सचमुच मुगलिया दौर में आ गया हूँ। और कोतवाल साहब ये बताएं, ये जो आपने यूनिफॉर्म पहनी है ये तो पुलिस वाली नहीं है। वर्दी वर्दी होती है हफीज साहब, जाली नहीं होती, ये कोतवाल की वर्दी है और आप मुगलिया दौर के कोतवाल से हम गुलाम हैं। आपका क्या काम क्या है? मेरा काम यहाँ के लोगों की हिफाजत और बादशाह तक लोगों के पैगाम रसाई करना है। और अमीन हफीज साहब की हिफाजत भी इंशाल्लाह। हाँ, अब अमीन हफीज साहब की हिफाजत के लिए आगे हैं शहर के कोतवाल, वो भी एक नहीं दो दो। अब अमीन हफीज आपको इन कोतवालों के साथ लाहौर की सैर कराएंगे और जिंदा दिलों का शहर लाहौर और उसके 13 दरवाजे, उसमें भी दिल्ली गेट से हम अपने सफर का आगाज करते हैं। दिल्ली गेट से दाखिल हो तो ये रवायती बाजार शुरू हो जाता है, जहाँ पर कपड़े भी हैं, जहाँ पर फैंसी चीज़ें भी हैं और खिलौने भी हैं, बच्चों की जूतियों का सामान भी मिलता है और खाने पीने के खाबे भी मिलते हैं। क्या क्या चीज़ें और हैं हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है? ये दांसा है। इसलिए होता है? ये दांत साफ करने के लिए होता है। दांत साफ करने? हम तो दांत साफ करते हैं टूथपेस्ट और ब्रश के साथ। ये मुगली खानदान इधर से गुजरते हैं, वो लेकर जाते हैं हमारे से। ओ, मैं तो मुगलिया दौर में आया हुआ था। ओहो, मुगलिया दौर में ये दांत साफ करने के लिए तंदासा ही इस्तेमाल होता था। और क्या क्या होता है? और ये सुरमा पेस्ट होता है, सुरमा आँखों को लगाते हैं, आँखों की बलाई तेज करता है, आँखों को खूबसूरत बनाता है। ये देखते हैं जी, ये क्या है? ओ, यहाँ पर देखें क्या तराजू है, और जबरदस्त किस्म का तराजू। हमारे यहाँ तो अब
कंप्यूटर वाले तराजू होते थे, मुगलिया दौर है और यहाँ पर तराजू भी कैसा जबरदस्त है। ये क्या है जी, ये कोई मुझे रसा लग रहा है, क्या है? तंबाकू। तंबाकू? हाँ जी। वो क्या होता है? ये हुक्के में डालता है। हुक्का? ये हुक्का क्या है? वो मुगलिया दौर में ये हुक्का है और ये चिलमन है इसकी, और ये देखें ये बिल्कुल हाली है, इसमें ये क्या डालते हैं? इसमें तंबाकू डालते हैं। अच्छा, इसमें तंबाकू डालते हैं और फिर ऐसे तो ऐसे कितने होंगे? क्या हो रहा है सर? ये बांदर का तमाशा दिखा रहा है। बांदर का तमाशा? तो हम भी देखते हैं। वाह, ये क्या क्या तमाशा करता है सर? ये बड़े बड़े कमाल करता है, सर्कस लगाता है, आइटम दिखाएगा आपको, डांस करके दिखाएगा। तो डांस करके दिखाए हमें? डांस करके दिखाओ सब लोग को जरा पंगड़े डाल के। और क्या करता है ये? बैठ के लुटी पंजाबी पंगड़ा बैठ के। ये वर्जिश भी करता है? वर्जिश भी करेगा, देखो अभी जाओ। तो वर्जिश करके दिखाओ, हमारा पकड़ा जाएगी। वर्जिश करें, वर्जिश करके दिखाओ, एक्सरसाइज जिम। अमीन हफीज भी वर्जिश करेंगे। हमने वर्जिश भी की है और बांदर के हमने डांस भी देखे हैं और अमीन हफीज साहब ने भी डांस किया है, कैसा लगा? बहुत कमाल सर, आप तो माशाल्लाह बंदर से अच्छा नाच रहे थे। क्या बात, आपने हमें बंदर बना दिया। नहीं, ये मुगलिया दौर का कोतवाल का कहना है, आप बहुत अच्छा नाचते हैं। वाह जी वाह, चले अब हम और देखते हैं। अमीन हफीज चूंकि आए हैं लाहौर की सैर करने और वो भी मुगलिया दौर में, ये वो मुकाम है जिसे शाही हमाम कहते हैं, इसे शहंशाह अकबर ने तामीर किया अपने उन मेहमानों के लिए जो बादशाह सलामत को मिलने आते थे, ताकि जो कोई दूर से बादशाह सलामत को मिलने आता था वो पहले शाही हमाम में नहा धोकर तैयार होकर फ्रेश होकर बादशाह सलामत को मिलने जाता था। आज चूंकि वही मुगलिया दौर है, वही कोतवाल है, अमीन हफीज शाही हमाम में जाने लगे हैं। देखता हूं कि कहीं शहंशाह अकबर मौजूद ना हो, अगर ऐसा हुआ तो हम शहंशाह अकबर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ आइए। शहंशाह अकबर ने अपने मेहमानों के लिए जो शाही हमाम बनाया था वो यही शाही हमाम है। इस हमाम की एक नहीं, दो नहीं, कई खूबियां हैं। उनमें पहली खूबी यह है कि ये सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी होता था। उस दौर में जब गीज़र नहीं होते थे, सुई गैस नहीं होती थी, लोग देखने आते हैं कि उस दौर में भी बादशाह सलामत अपने मेहमानों के लिए ठंडा और गर्म पानी का इंतज़ाम कैसे करता था। ये वो मैकेनिज्म है जिसे सियाह दूर दूर से देखने आते हैं।
ओल्ड सिटी लाहौर में मौजूद जो तारीखी मुकामात हैं उनको जिस तरह प्रिजर्व कर दिया गया है और जिस तरह उनकी तज़ीन व आरैश करके महफूज किया गया है, वो अपनी मिसाल आप हैं। इस हवाले से वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के सरबरा कामरान निशारी ने इन तमाम तारीखी मुकामात को और इनकी तज़ीन व आरैश करके बहुत खूबसूरत काम किया है और सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। अकबरी मंडी में आप जो चाहें आपको हर किस्म की चीज यहाँ पर मिलेगी। घरेलू जरूरियात, किचन की जरूरियात जो चाहेंगे मिलेगी। इस वक्त देखें, ये मैं अचार देख रहा हूँ, इसको मिक्स अचार कहते हैं, और ये आगे मैंगो अचार है, ये लेमन अचार है, और हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पर मिर्च मसाले भी नज़र आ रहे हैं। ये काली मिर्च साबुत है, ये जीरा भी साबुत है, और ये मिर्चें वगैरह भी हैं। यहाँ पर कौन दुकानदार है जी? अच्छा ये बताएं, ये जो साबुत मसाले हैं वो तो साबुत हैं, जो पीसे हुए हैं ना उनके बारे में लोग कहते हैं कि पीसे हुए मसाले में फक मिलाई जाती है और मिलावट भी होती है, आप क्या कहेंगे? इसमें पिसे हुए चने भी मिलाते हैं, चौल भी मिलाते हैं, लेकिन हम नहीं मतलब मिलावट होती है? होती है। अच्छा, और आप भी करते हैं? हम नहीं करते भाई जान, हमारी एक नंबर चीज है सुचल। अकबरी मंडी में मुख्तलिफ मसालों में मिलावट होती है, होती है, लेकिन आप नहीं करते, आप सुचल बेचते हैं। देखें मेरी दुल्हन कौन सी हो सकती है? अमीन साहब, आप तो शादीशुदा हैं। हम मुगलिया दौर में हैं, बीवी के साथ साथ दो तीन कनीजें तो हो सकती हैं। ये गली लाहौर की, आप जब भी अंदरून शहर आए तो इतनी तंग और तारीक गलियां मिलती हैं, जैसे इस गली में मैं मौजूद हूं, इतनी तंग गली है कि कहने वाले कहते हैं कि ऐसी किसी गली में औरत और मर्द आमने सामने आ जाएं तो फिर सिर्फ निकाह का फासला रह जाता है। अमीन हफीज गली सुरजन सिंह आ गए हैं और यहाँ पर बज रहे थे ढोल, और जब ढोल बजे तो फिर मेरा अंग अंग हिलना शुरू हो गया और मैं डांस करने लग गया। ढोल की थाप के ऊपर मुझे लाहौरी रंग याद आ गए, और जब कभी आप लाहौर आए और ढोल बजे और बंदा भंगड़ा ना डाले वो बात ही नहीं बनती। दन 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 अंदरून शहर की गली सुरजन सिंह की तज़ीन और ऐश इस तरह कर दी गई है कि इसके फर्श, इसके दरो दीवार, इसकी खिड़कियां, इसकी बालकोनियां बिल्कुल पुराने अंदाज में इस तरह सजा दी गई हैं
के देखने वाले देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर अंदरून शहर का टिपिकल माहौल भी है, घरा बजाने वाला भी है। आप जरा अपने फन का मुजाहरा फरमाएं। नीस यो असी नैना दे आखे लगे, नीस यो असी नैना दे आखे लगे, जेड़े नैन मुर्शद नल लड़ गए, जेड़े नैन मुर्शद नल लड़ गए, ओ कदी भी न जांदे ठगे, नीसे यो असी नैना दे आखे लगे, ओ दे नाल जे मंगे जाइए इस दुनिया तो चंगे जाइए, नियो दे नाल जे मंगे जाइए इस दुनिया तो चंगे जाइए, रंग विच दे रंगे जाइए, रंग विच दे रंगे जाइए, फिर मुर्शद जाने अगे, निसयो सी नैना दे आखे लगे। ये है गली सुरजन सिंह और जिंदा दिलों का शहर लाहौर। जब भी आप आए अंदरून शहर जरूर आए और गली सुरजन सिंह को देखना ना भूलिएगा। इस वक्त हम मस्जिद वजीर खां के हाता में आ चुके हैं। ये वो तारीखी मस्जिद है जो तकरीबन 400 साल पहले तामीर की गई। ये इतनी प्यारी अंदरून शहर की मस्जिद है कि इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं और इस मस्जिद की जो नक्शो नगार हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। देखने वाले कहते हैं कि जिसने लाहौर आके, अंदरून लाहौर आके, वर्ल्ड सिटी लाहौर आके मस्जिद वजीर खां नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। इस मस्जिद की खूबी ये है कि इस मस्जिद से मुलहिका जो पुराने ओल्ड हाउसेज हैं, हकूमत ने उनकी भी ऐसी खूबसूरत तज़ीन और ऐश अपने खर्चे पे की है कि मालिक मकान भी खुश, सियाह भी खुश। आज हमने आपको वर्ल्ड सिटी लाहौर का तफरीही और मुतालियाती दौरा कराया और लाहौर के सभी रंग आपको दिखाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अंदरून शहर के सारे रंग देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का प्रोग्राम वेख अंदरून लाहौर देखने ज़रूर आए। इस वक्त अमीन हफीज रोशनाई गेट पहुँच चुके हैं जहाँ कुछ ही देर में हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अभी हम आपको ये प्रोग्राम दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत के खास मेहमान हैं। अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत आपको याद फरमा रहे हैं। माशाल्लाह अमीन हफीज साहब को आज बादशाह सलामत ने हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम का मेहमान खास के तौर पर तलब किया है। आज अमीन हफीज का दिल
बाग बाग हो गया है। अमीन हफीज हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खास तशरीफ ले जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। क्या बात है, आप ये बताइए कब से हिस्ट्री बाय नाइट में आप ये बांसुरी बजा रहे हैं? मुझे कोई अरसा 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे हूँ, एम्प्लॉय हूँ, 8 साल से बजा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, पूरी दुनिया से लोग ये मनाजर देखने आते हैं, क्योंकि ऐसे मनाजर हैं जो कि आपको मुगलिया दौर में ले जाते हैं। ठीक है, तो जी खो जाते हैं आप जी मुगलिया दौर में, खो जाते हैं, जबरदस्त। क्या बात है, आपने बादशाह सलामत के खास मेहमान अमीन हफीज का दिल जीत लिया है। हिस्ट्री बाय नाइट टूर तो अमीन हफीज ने बहुत दफा किए, लेकिन आज बादशाह सलामत का मेहमान खास बन के जो अमीन हफीज को इज्जत और प्रोटोकॉल मिला वो बहुत जबरदस्त रहा और मैंने इसे बहुत इंजॉय किया। आज हमने आपको वॉल सिटी लाहौर और शाही किला लाहौर की मुकम्मल सैर कराई, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैमरामैन शाहिद अली के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। It's time.